बिरसा मुंडा को लेकर के जो बातचीत यहाँ पे की जानी है, सुबोध बिल्कुल परिचय और कुछ आंदोलन की बातों को शेयर करेंगे मेरी उम्मीद है। मैं जहाँ से बातचीत शुरू करना चाह रही हूँ वो बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था, एक तो वो 25 वर्ष की आयु में ही अपनी जो भी काम है, जो आंदोलन है वो खत्म करते हैं, इतना ही, एक 25 साल के ही जीवन वो जीते हैं। हम लोगों से बहुत छोटी उम्र में वो एक नेता बन के उभरते हैं, लीडर बन के आते हैं, एक पंथ का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग बिरसाइत बोलते हैं। पंथ जो नाम है बिरसा का, वो बिरसाइत खुद को कहते हैं। और बिरसा का जो आना हुआ था वो इस तरीके से था, मैं थोड़ा सा बिल्कुल बहुत छोटे में उनकी जीवनी बता दूँ तो जन्म उनका उली हाथी गुआ खूटी में हुआ है था 1875 में, और वहाँ से लेकर के 9 जून 1900 में उनकी मृत्यु होती है। ये 25 साल के जीवन में उन्होंने जो कुछ जिया वो था, झारखंड की उस भूमि में मिशनरियों का प्रवेश हो चुका था और उनकी शिक्षा दीक्षा जो प्रारंभ हुई थी वो एक मिशनरी स्कूल में हुई थी। उस मिशनरी स्कूल में उन्होंने जो कुछ सीखा वो उनको काम आया और कुछ बातों से वो अपने पादरियों से वास्ता नहीं रखते थे, तो उन्होंने उस धर्म के प्रति अपनी जो पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक्सेप्ट किया था उसको छोड़ने की बात की। और इस प्रसंग को हमारे पास जितने हिस्टोरियंस सामने लेकर के आते हैं वो कुछ इस प्रकार से लेकर आते हैं कि आनंद पांडे नाम के एक व्यक्ति हुए जो बिरसा के गुरु हुए और उन्होंने उनको उस क्रिश्चियनिटी के फोल्ड से बाहर निकाल करके फिर बहुत सारी भागवत की कथाएं सुनाई। और इस तरीके का हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन अभी के रचनाकारों के द्वारा सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ये, लेकिन बहुत खोजी जाने की जरूरत है कि वास्तविकता इसके पीछे की क्या रही है। क्या कभी कोई आदिवासी जब भी एक नेता के तौर पे, एक हीरो के तौर पे सामने आएगा तो उसका गुरु जो होगा बार बार एक ब्राह्मण को बैठाया जाना कितना जेन्युइन है, जायज है, ये हम लोगों को तलाशना है। मैं इसी संदर्भ में एक छोटे से प्रसंग की बात रखना चाहूँगी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची का 9 जून का पिछले 2018 का प्रोग्राम जस्ट लास्ट कुछ महीने पहले मैंने अटेंड किया था और सरकारी तामझाम के साथ इस आयोजन में बिरसा मुंडा के पर पोते को बुलाया गया था जिनका नाम कन्हैया मुंडा था और एक टोकन के तौर पे उनको सिर्फ वहाँ पे बिरसा को लेकर के जो गीत गाए जाते रहे हैं गाँव में उन गीतों का प्रेजेंटेशन था। उन गीतों को गाने के बाद उस भूमि के रांची यूनिवर्सिटी के जितने बड़े दिग्गजों को हम कह सकते हैं उन दिग्गजों का यही एक स्थापना बार बार सामने आया कि जो बिरसा थे उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो आनंद पांडे के आने के बाद से ही हुई, उससे पहले तो क्रिश्चियनिटी में उन्होंने अपना सब कुछ खोया ही खोया था। जो अभी RSS और BJP का एजेंडा लाइन है झारखंड में वो वनवासी कल्याण केंद्र के नाम से काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ यही बातें पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है और हम लोगों के सामने एक सरना और क्रिस्तान विवाद सामने लेके आ रही है। जो लोग बार बार इस बात को हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं कि क्रिश्चियंस रिजर्वेशन हम लोग खत्म करेंगे आदिवासियों के बीच से भी, जिस तरीके से दलितों के बीच में क्रिश्चियंस दलित को राइट्स नहीं है रिजर्वेशन का, तो इस राइट्स को हम लोग भी खत्म करेंगे, तो इस तरह के कोशिश वो बार बार लगातार किए जा रही है वहाँ पे और जिसका कि आदिवासी ब्लड जो है बार बार प्रतिरोध कर रहा है। और ये जो ब्लड जो प्रतिरोध सीखा है वो उनके पुरखों से है। मुझे लगता है आदिवासी एक ऐसी कम्युनिटी रही जो मुगलों के आने से पहले से लेकर के ब्रिटिशों के साथ और स्वतंत्र भारत, परतंत्र भारत सब जगह सिर्फ और सिर्फ लड़ती आई है और स्थिति ये है कि 2018 तक भी वो आज लड़ ही रही है। इस लड़ने की जो संस्कृति है उसको हम लोग 1857 के पीछे छिपा देते रहे हैं। 1857 बार बार कहते हैं कि पहली लड़ाई सिर्फ एक बारूद के गोली के, अगर आप लोगों ने 1857 के होने की वजह उनको पढ़ा होगा तो एक वजह काउंट कराई गई थी कि जो गोली खोलना होता था मुंह से उसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था, इसलिए सैन्य विद्रोह हुआ। तो उस सैन्य विद्रोह को करने वाले लोग कौन थे?
अंग्रेजों की सेना थी, भारतीय उसमें शामिल थे और भारतीय ही लड़ रहे थे अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के भारतीयों के खिलाफ। तो ये युद्ध को हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये हमारे विश्व सॉरी हमारे देश में चलने वाला पहला स्वतंत्रता संग्राम है और वो एस्टैब्लिश कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले के जितने आदिवासी आंदोलन है उसको सिर्फ आपने नाम दिया है विद्रोह का, कि बिरसा ने विद्रोह किया, तिलका मांझी ने विद्रोह किया, कोलो ने विद्रोह किया। तो भाषा के साथ जो खेल चल रहा है, विद्रोह है कोई किसी का और किसी का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। आदिवासी कहीं मिलते हैं और कहीं पाए जाते हैं, जानवर नहीं है कि वो पाए जाएंगे। हम लोगों को इन तमाम चीजों को सोचने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं, कैसे कैसे लड़ रहे हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के बातें और बताना चाहूंगी जो बिल्कुल मेरे डे टू डे लाइफ में से घटित हो रही है। अभी 2018 में डीयू का हिंदी ऑनर्स का एक सिलेबस है जिसको पढ़ाने का मौका मिला है, अस्मिता मूलक विमर्श करके, उसमें आदिवासी विमर्श का भी एक सेक्शन बनाया गया है। उस आदिवासी वाले पोर्शन में जो किताबें रेफर की गई हैं वो बिल्कुल हवाबाजी वाली किताबें हैं, जिसका आदिवासी नेताओं मतलब हीरो आइकॉन्स और विचारधारा से कोई वास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। और टेक्स्ट लगा दिया गया है धुनी तपे तीर का एक पोर्शन जो हरिराम मीना जी का है। उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ाने के बाद ये समझ में आई कि उससे कहीं भी आदिवासी का जो वॉइस सरकार के विरुद्ध है, सत्ता के विरुद्ध है, और सरकार और सत्ता के विरुद्ध ना हो करके बल्कि मानवीय रूप से अपने होने की पहचान को लेकर के वो तमाम सवाल को खारिज करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक टोकन के तरीके से धुनी तपे तीर का वो पोर्शन लगा दिया गया है, जहाँ पे कहीं से भी कोई आदिवासी प्रश्न टकराते ही नहीं है, ना ही उसमें कोई भी एक तालतम्यता कोहेरेंस देखने को मिल रही होती है। तो बहुत लैकनेस है, बहुत गैप है। आप एक माहौल बना है कि आज हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं सब एक इश्यूज पे, तो आपने उसको आदिवासी विमर्श व्यू पढ़ा रहे हैं बोल करके आपने डाल दिया है, पर उसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे कि बच्चों की समझदारी विकसित हो। और जब सवाल बनाए जाते हैं इन क्वेश्चन पे, तो इन कोर्सेज पे, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो मैंने देखा उसमें आदिवासी विमर्श को लेकर के दो प्रश्न पूछे गए हैं, और दो प्रश्नों में से एक प्रश्न है आदिवासियों का जंगल पर विचार क्या है। ये सवाल उनके तरफ से पूछा जा रहा है कि आदिवासियों का जंगल पर विचार क्या है। जो लोग जंगलों में जीते आए हैं उनसे उनके बारे में विचार पूछा जा रहा है कि जंगलों में वो क्या पाना चाहते हैं। मैं बिरसा मुंडा आंदोलन की ही देन बताना चाहूंगी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो CNTA एक्ट के नाम से था वो बना था, और बिरसा मुंडा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। ब्रिटिशों के द्वारा जो भूमि व्यवस्था वहां पे लाई गई थी उस व्यवस्था में जो जमींदार और बाहरी तबका बहुत ज्यादा घुस गया था, पुलिस थानों की नई स्थापनाएं की जा रही थी उस समय में, उस दौर में उन लोगों का जो एक जबरदस्ती आग्रह था पकड़ने का, जमीनों को लूटने का और हर एक जमीन को अपना कह पाने का। आदिवासियों के संदर्भ में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि जो झारखंड के आदिवासी हैं उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ कृषि आधारित खेतियों पे रही है और बहुत कम वो जंगलों पे डिपेंडेंट रहे हैं। जंगल से उनका इतना ही वास्ता है कि वो पेड़ों की सफाई करके उसको खेती योग्य जमीन बनाते थे, जिसको हम लोग खुटकट्टी जमीन बोलते हैं, और जिसको उसको खेती करने के बाद जो ऑन करने लगा उसको हम लोग रैयत बोलते हैं उस जमीन को। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने उतने ही जंगलों का इस्तेमाल किया जितने हम लोगों का सर्वाइवल होना था। तो यहाँ पे जमींदारों की व्यवस्था, जमीन की व्यवस्था में जमींदारों का रोल बढ़ता है, पुलिस का रोल बढ़ता है, और ब्रिटिश उससे मालगुजारी उगाही करने लगती है। इस पर ये प्रतिरोध सामने आता है, और बहुत सारे आपको विद्रोहों के नाम अगर मैं गिना दूं और ईयर्स अगर आपको बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने पुराने हैं और कब से लगे रहे हैं। 1767 से 1805 में जंगल महाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो चुवाड़ आंदोलन चलाते हैं, खेड़ा मांझी आंदोलन, ये क्षेत्र है मेदनीपुर, घाटशिला, रामगढ़, लालगढ़, झालदा और जामबानी, ये झारखंड के और बिहार और बंगाल के कुछ पोर्शंस हैं। 1766 से 1780 तक में राजमहल का पहाड़िया विद्रोह के नाम से चलता है, संथाल परगना यह क्षेत्र है। 1771 से 1819 तक पलामू में चेरो एक समूह है
वो विद्रोह करती है जिस मुख्य लीडर भूखन सिंह चेरो हमारे सामने घर के सामने आते हैं। 1784 में है तिलका माझी का संताल विद्रोह। 1793 में हमारे सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस वो स्थाई बंदोबस्ती लेकर के आते हैं, जो मालगुजारी हम पर थोपी जा रही होती है, इसका विद्रोह शुरू से ही मिलता है। 1782 से लेकर 98 के बीच में तमाड़ का विद्रोह घटित हो रहा है। उसके साथ में 1820 में कोल विद्रोह, जिसके नेता रघुदेव और पोंता मुंडा हैं। 1820 से 21 में सिंभूम में हो का विद्रोह चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14,000 हो एक समूह है, आदिवासी समूह, उनके गांव हुआ करते थे, जो सिमट करके 500 हो गए। इस आंदोलन को किस तरीके से एकदम सप्रेस किया गया उस चीज का हमें पता चलता है। 1831 से 32 के बीच में मुंडा और हो लोग मिलकर के करते हैं कोल विद्रोह। 1832-33 में मानभूम और सिंहभूम का भूमिज विद्रोह भी है। 1837 में सिरिंगसिया घाटी पे युद्ध हो रहा है संताल परगना का। 1854 में वीर सिंह मांझी और मोरगो मांझी करके लीडर्स के साथ में ये आंदोलन चल रहा है, जो संताल होल 1855 का हम लोगों को सबके सामने। तो ये सारे विद्रोह सामने में थे, और इस बीच में बिरसा मुंडा भी अपने आंदोलन उलगुनान के साथ में आगे बढ़ रहे थे। तो इतने विद्रोहों को हम लोगों ने आज तक हिस्ट्री से गायब रखा, छिपाए रखा, और एक जाति को उसके इतिहास से दूर रखो तो उसका इतराना ऐसे ही कम हो जाता है। जो जातीय सर्वश्रेष्ठ भावबोधता से हम बद्ध होते हैं, खास जातियाँ, तो इस चीज को यहाँ पे रोका गया, टोका गया। आज भी वहाँ के आदिवासियों से पूछिएगा कि आपका ओरिजिन क्या है, तो हिस्टोरियंस कुछ बताएंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ बताएंगे, और सोशियोलॉजिस्ट और कुछ बताएंगे। तो ये एक मतलब डायलेमा में बने रहिए कि उराव कहाँ से आए, मुंडा कहाँ से आए, संथाल कहाँ से आए, और निज वहाँ के कौन कहाँ से आए। बीपी केसरी एक नाम आता है वहाँ के स्कॉलर्स में, छोटा नागपुर के, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, उन किताबों में वो बार बार एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे नागवंशियों का राज था, और मुंडा और संथाल सब बाद में बाहर से इधर उधर से आए हैं। तो जिसके पास लेखनी रही, कलम रहा, उन लोगों ने अपने हिसाब से इतिहास का प्रेजेंटेशन हम लोगों के लिए किया, और वही एक बार छप जाने के बाद वही रेफर किया जाता रहा है, तो वही आज तक कैरी फॉरवर्ड होता रहा है। और मुझे लगता है कि कारावास का नाम जो बिरसा कारावास किया गया है, बिरसा मुंडा कारावास, जेल का नामकरण हमारे हीरोज के नाम पे हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और इन छोटी छोटी छवियों के बहाने से जो आने वाली पीढ़ियां सीखती हैं, कई बार उनके बांधे हुए तीर कमान का जो रस्सी सामने आता है, उसको कई लोगों ने बोला कि आनंद पांडे से ये गुरु भक्ति सीख चुके थे, तो इन्होंने वो धारण किया है, सूत जो धारण करते हैं, तो वो धारण जनेऊ धारण किया हुआ है। तो ये आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, और वही स्थापित होता चला जाएगा। इसको सवाल बना करके रखने वाला काम कौन करेंगे, कब तक करेंगे, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आदिवासी जो सबसे ज्यादा जूझ रहा है आज के समय में, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, या आने वाली सरकारें हो, मुझे नहीं मालूम कि वो जो दो सरकारों का अनुभव है वो तो सिर्फ नक्सली ही हमें घोषित करते रहे हैं। नक्सलवाद का जन्म और ओरिजिन तमाम चीजों को जब पढ़ने और जानने की कोशिश की कर रही थी, तो सारा आंदोलन 1967 के समय मई के महीने का है, और उस दौर में नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी प्रांत में पड़ने वाला, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक छोटा सा गांव है जिसमें करीब 200 से 250 गांव है, और ये गांव जो है वो मुंडा उराव और संथालों की बहुलता के साथ लिया हुआ गांव है। मुझे नहीं जानकारी थी, बहुत अभी एक महीने पहले की जानकारी मुझे मिली है। मेरी दादी जी जो थी वो उस उनका घर, उनका अपना मायका नक्सलवाड़ी था, उनकी शादी रांची में कर दी गई थी और वो यहाँ आई थी। एनीवे, तो उस उनकी कथाओं में जो मुझे नक्सलवाड़ी और नक्सल आंदोलन दिखाई पड़ा, वो ये था कि जो उनके पिताजी का नाम सकल सरदार था, जो कि एक अच्छे खासे जमीन को होल्ड करने थे वाले थे, जिसको कि आमतौर पर
मार्क्सिस्ट बोल देंगे कि जमींदार मतलब कि शोषक, ठीक है। लेकिन वहां पे सकल सरकार के पास जिन जमीनों में जुताई करने वाले किसान हुआ करते थे, वो जुताई करने वाले किसानों में एक किसान का नाम मैं नाम बोल रही हूँ किसान का नाम, उनके नाम से एक अदालती कार्रवाई होती है, दीवानी मुकदमा कोई वो जीतते हैं, जिसमें कि जो भी लैंडलेस किसान है उनको एक वितरण प्रणाली के तहत वो जमीन का टुकड़ा दिया जाता है, और इस जमीन के टुकड़े की लड़ाई को लेकर के कुछ मारपीट होती है, और वो मारपीट सीधे तौर पे पुलिस को खड़ा कर दिया जाता है, और लड़ाई इतनी ज्यादा मतलब क्रूर हो जाती है कि उसमें 9 लोगों की हत्याएं सामने आती हैं, जिसमें से 7 महिलाएं और बाकी 2 बच्चे हैं। तो इसमें जो सकल सरदार और उनके बेटे ईश्वर तिर्की का नाम आता है, वो उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा होता है लेफ्ट मूवमेंट में कि ये लोग जमींदार, बड़े जमींदार थे, और ये लोग कल्प्रिट थे, इन लोगों ने बहुत शोषण करके वो जमीनों को बनाया था। जबकि कहानी अगर मेरे घर के हवाले से रखी जा रही है सामने, तो मामला ये था कि वो जंगल वाला एरिया सकल सरदार पहुंचते हैं, और अपनी जो भी पीढ़ियां थी उनको लगा करके वो जंगलों को काट करके साफ करके वो जुताई और खेती के लायक बनाई गई जमीन थी, अपनी जमीन थी, जिसको सरकार जिस तरीके से जमींदार बाहरी जमींदारों ने जमीन ऑन करके सरप्लस कर लिया था, उस जमीन के तहत उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही थी। तो जो एक लीगल वे में जमींदारों को जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाना था, और एक जो बिल्कुल ऑन अपने से अर्जित की गई जमीन की भूमि को लैंडलेस किसानों को बांटा जाना था, इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। मुझे लगता है कि इस नक्सलवादी आंदोलनों को जिस तरीके से चाइना और उस समय के मार्क्सिस्ट नेताओं ने लीड किया, वो पूरी तरीके से आदिवासियों का आंदोलन था, और सिर्फ एक मात्र चीज थी कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उन लोगों ने जमींदारों के यहाँ सीधे सीधे मार काट करके अपने लिए उन जमीनों पर कब्जा जमाया था, जिसको कि बाद में पूरी तरीके से लेफ्ट ले जाते हैं, और उस नक्सलवादी आंदोलन का पूरा स्वरूप बदल जाता है, और वो सत्ता बदलने की बात करने लग जाते हैं। जिसको अपना पेट नहीं भर रहा है वो सत्ता बदलने की बात करेंगे, बंदूक पकड़ने की बात करेंगे, ये बहुत क्वेश्चनेबल चीजें हैं।